अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके साथ राफ़े आसिफ। तो देखिए, मेरे मदनी का और आसिफ का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इसे यहाँ नोज़ पे चोट आई है। मदनी और यावो, ये देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट आई है और बाजू पर भी आई है चोट काफ़ी ज़्यादा। आसिफ को भी क्या ना क्या ना, ये देखें। और इनके कपड़े वगैरह भी फट गए थे। आसिफ के तो शूज़ भी, मतलब कि अंदर कोई चीज़ जा लगी है, शूज़ भी फट गए हैं और उसकी जो जैकेट थी वो भी, उसकी टांगों पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। कल गए हैं तो मदनी को बहुत ज़्यादा बुखार था, आसिफ ने मंडी से सामान भी लेना था तो ये साथ चला गया। उसके बाद फिर इनका एक्सीडेंट हो गया है। और आप सबसे गुजारिश है कि सबके लिए दुआ किया करें और ख़ुसूसी मेरे मदनी के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। और इसे कल रात पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मदनी बाहर से आया तो अपने बाबा से, ये देखे, पैसे लेकर आया है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, ये जो नया नोट आया है 75 रुपये वाला, ये देखें। और मैंने इसे ले लिया। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है जैसे नकली हो, मतलब असल नहीं, असली जैसे होता है ना नोट, वैसे तो नहीं लग रहा, लेकिन आसिफ कहता है ये असल है और चलता भी है। अम्मी ना करो ना करो, चलो मैं डेरा मैं डेरा। और ये जुखराफ लेकर चली गई थी, ये कोल्ड क्रीम है, कुछ दिन पहले ही मैंने खोल लिया। तो ये भी आसिफ की दुकान पे लेकर चली गई थी, ये अब मदनी उठा के ले आया, ये नोट भी और ये भी। मदनी मैं को ले लो, ज़ाया ना करो। यहाँ पर देखें, दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और मैंने यहाँ पर बाहर आग जलाई हुई है। कल आसिफ और उसकी हम आ गए थे साग तोड़ने के लिए, वो साग तोड़ के लाए हैं। कल पूरा दिन साग काटने में, पालक वगैरह काटने में गुजर गया है। और इसे रात 9 बजे तक तो मैं बॉयल करती रही हूँ साग को, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कसर बाकी है। अब दोबारा से इसे चढ़ाएँगे। और सुबह भी इतनी है कि मैंने सिर्फ नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को जल्दी मोटे कपड़े पहनाए हैं और उनको सॉक्स शूज़ वगैरह पहना के उनको उनकी दादी दादे के कमरे में भेजा है। और मैं यहाँ बाहर आकर बैठ गई हूँ अभी, मतलब कि, और कुरान पाक भी नहीं पढ़ा है मैंने। यानी कि पहले इस ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद बैठ के आराम से पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, मैंने साग वाला पतीला उतार के रख दिया है और मैंने यहाँ पर तवा रख दिया। मैं रोटी भी आज बाहर बनाने वाली हूँ। और ये मैं रोटी अंदर से बेल के लाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बनानी नहीं आती, मैं बेल के बनाती हूँ। और ये बच्चों के लिए अंडा भी ले आई हूँ। और ये प्याज मैंने अलग से काट के रखे हैं, क्योंकि पहले मैं कबाब बना लूँगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे वो पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं जो अंडा बचेगा उसमें थोड़े से प्याज डाल के वो बच्चों के लिए बना लूँगी। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमने ये शामी कबाब सिर्फ 5 बनाए, देखिए ये छोटा सा बनाया है। और ये बनाया बच्चों के लिए अंडा। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।